हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, हेलो, वालेकुम आवाज आ सलाम। रही है बच्चों? यस हाँ हाँ यस अच्छी बात है। चलिए, मैं आपके टीचर सैयद हसीना बानो कुरला नौपाड़ा म्युनिसिपल उर्दू स्कूल से आज आपको मैं सब्जेक्ट मैथ्स लेने वाली हूँ। लास्ट टाइम हमारा मैथ्स का हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 28 स्टार्ट किया था, याद है आप लोग को? हाँ, पिछले हफ्ते में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना ये वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे, याद है यस बेटा? हाँ हाँ। तो टुडे इज 26th ऑफ अक्टूबर 2021 ट्यूसडे। मैं आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने देखा था कौन दो दो चीजों में क्या निस्बत आपकी उर्दू की बुक में से आपने बताया था, निस्बत और तनासुब, है ना? दो चीजों में क्या निस्बत है? तो एक जैसी चीजें हैं, जैसे कि किसी की उम्रों में ताल्लुक है, क्या निस्बत है, कितना कम है कितना ज्यादा है, या कोई चीजों में क्या ताल्लुक है, कोई फासले में क्या निस्बत है, क्या तनासुब है। तो इसके लिए आपने एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 28। ये देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, उसमें 6 क्वेश्चन थे, याद है ना आपको? याद है कि नहीं? हाँ, तो आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को याद है या नहीं पिछला? हाँ, आप लोग नहीं थे क्या उस दिन? है ना, तो प्रोपोर्शन मालूम किया था ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, याद आया? जो भी हाँ नंबर हमने प्रोपोर्शन के लिए, देखो आपने एक सिंबल मैंने आपको बताई थी इस तरह से, है ना? जैसे 2:3 ऐसा हमने पढ़ना सीखा था इसको। ये सिंबल जो है ये प्रोपोर्शन के लिए हमने लगाए थे। हाँ, जिसको आप निस्बत कहते हो, निस्बत, ठीक है? क्या हुआ है? प्रोपोर्शन, और इसको रेशियो में कैसा लिखा जाता है? रेशियो में कैसा लिखा जाता है? 2:3 को 2/3, ये 2/3 में हमने लिखा, मतलब ये हमने इसका रेशियो लिखे। समझ में आया बच्चों? हाँ हाँ, अभी आपको शायद याद आया होगा, मैंने आपको ये समझाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, जो 6 सवाल हमने हल किए थे उसमें आपको बताया, पूछा था कि फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो जो पहला नंबर है उससे सेकेंड नंबर का आपने प्रोपोर्शन मालूम किया था, ये वाला, इस तरह से इस फॉर्म में आपने मालूम किए थे। अभी आपको आज रेशियो मालूम करना है, यानी इस फॉर्म में आपको मालूम करना है, अपॉन में, जैसे 2/3 या जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको देख के करना है। तो अभी हाँ देखो, आप लोग हमारा क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 28। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड, फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड, यानी जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी दी हुई है उसका सेकेंड से आपको रेशियो पता करना है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको सरसरी तौर पर समझा दी थी, आपको बताई थी मैंने कि कैसा करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, नंबर 1 25 बीट्स एंड 40 बीट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 40 रुपीज एंड 120 रुपीज। क्वेश्चन पूरे मैं रीड आउट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, क्यों कर रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ मैं। नंबर 3 15 मिनट्स एंड 1 आवर, नंबर 4 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स, नंबर 5 99 किलोग्राम एंड 44,000 ग्राम्स, ओके। नंबर 6 लीटर एंड 250 मिलीलीटर, नंबर 7 60 पैसे एंड 1 रुपी, नंबर 8 750 ग्राम्स एंड हाफ किलोग्राम, नंबर 9 125 सेंटीमीटर
एंड 1 मीटर. अभी आपको यहाँ पे एक बात समझ के लेना है कि जो भी यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी तो जो नंबर्स हमारे पास लिखे हुए उनके यूनिट सेम होना चाहिए. यूनिट मीन्स यहाँ पे आपने देखा 25 एंड 40, ये दोनों सेम है, बीड्स है. बीड्स यानी कि आपको मैंने बताई थी कि वो जो हार पहनते ना, हार माला, उसके जो मोती होते हैं उसको बीड्स कहते हैं, है ना? Yes, yes. हाँ, तो यहाँ पर दोनों के यूनिट सेम होना चाहिए. जैसे अभी यहाँ पर 40 रुपीज और 120 रुपीज है, दोनों एक जैसी चीजें है, यूनिट सेम है दोनों का. अभी यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं आप 15 मिनट्स है, लेकिन दूसरा नंबर जो है वो 1 आवर है. तो मिनट्स एंड आवर ये डिफरेंट हुआ ना, तो आपको ये दोनों क्वांटिटी जो है यानी कि ये दोनों के यूनिट्स आपको इक्वल करना पड़ेंगे, तभी आप उसका रेशो या प्रोपोर्शन आप मालूम कर सकते हैं. यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स, तो ये दोनों बराबर है, लीटर एंड लीटर है. यहाँ पे आप देखेंगे किलोग्राम एंड ग्राम्स है, तो किलोग्राम और ग्राम्स को दोनों को आपको इक्वल करने के लिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसी तरह यहाँ पर लीटर एंड मिलीलीटर है, आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इस तरह से क्या होता है, यूनिट आपके सेम होने चाहिए. अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी. यूनिट सेम होना चाहिए. और यहाँ पे 60 पैसे और 1 रुपी दिया हुआ है, तो पैसे एंड रुपीज में भी डिफरेंस है ना, तो रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे 750 ग्राम्स और 1/2 kg दिया, 1/2 किलोग्राम, तो किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे. यहाँ सेंटीमीटर और मीटर दिया है, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि सेंटीमीटर को आप मीटर बनाने जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, बट आप मीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करके इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. आ गया बेटा समझ में? तो पहले आपको क्वेश्चन कैसा है उसको समझ लेना जरूरी है. क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो दोनों नंबर्स आपको दिए हुए हैं जिनका आपको रेशियो मालूम करना है, उनके यूनिट सेम होना चाहिए, 25 बीट्स एंड 40 बीट्स. तो अभी हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 बीट्स एंड 40 बीट्स को हम चलो सॉल्व करते हैं. यहाँ पर नो प्रॉब्लम, दोनों सेम यूनिट है. Is equal to 25 is to 40, ठीक है. 25 is to 40 is equal to 25/40. 25/40. अभी आपको मालूम है 25 और 40 ये दोनों जो है, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, यानी आपको HCF मालूम करना है. 5 से, वेरी गुड. तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इज इक्वल टू, देखो मैं वापस लिखती हूँ यहाँ पे, 25/40. आप 5 से 5 5 25 और 5 8 40, आपका आंसर क्या आ रहा है, 5/8. तो यही आपका आंसर है. आपको रेशियो मालूम करना है ना, तो रेशियो के लिए आपको यहाँ पे आंसर अपना क्लोज करना पड़ेगा. और अगर इसको प्रोपोर्शन भी पूछा है तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, 5:8. प्रोपोर्शन अगर पूछा है तो 5:8 लिखना है. समझ में आया बेटा? यस मैम. यस, ओके. तो फर्स्ट नंबर जो था हमारा, फर्स्ट नंबर यानी कि 25 बीट्स एंड 40 बीट्स, तो फर्स्ट नंबर का 25 मतलब सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से आपने रेशियो फाइंड आउट किया. तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट नंबर को आपको ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में लिखना होगा और सेकंड नंबर को डिनोमिनेटर में. उसके बाद आपको HCF लेना पड़ता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है, कॉमन नंबर होता है, जिससे दोनों ही नंबर 25 और 40 जो एक ही टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं. ऐसे और भी नंबर्स होते हैं, बट आपको कोई एक ही नंबर ऐसा चॉइस करना है जो ग्रेटर भी है, हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है. फैक्टर्स में हाईएस्ट है और कॉमन है. तो यहाँ पे हमको 5 मिला, 5 5 25 5 8 40. तो आपका आंसर आ गया 5/8. तो ये आपका रेशियो है, 5/8 जो है ये आपका रेशियो है. और अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि इसको प्रोपोर्शन में लिखो, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप इसी को लिखेंगे 5:8. सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम.
Okay. Next question. Second question में आपको क्या दिया है? 40 rupees and 120 rupees. हाँ, 40 rupees and 120 rupees. तो यहाँ पर इसका रेशियो आपको मालूम करना है. तो जैसे कि आपको मालूम है, आपको 40 and 120 का रेशियो मालूम करना है, आप इस तरह जाएंगे. फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से रेशियो क्या है? तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है बेटा, बोलेंगे आप? फर्स्ट नंबर कौन सा है? 40 है. और सेकेंड नंबर 120 है ना? हाँ, तो 40/120 आप लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, अभी हम डायरेक्ट जो है हमारा जो मेथड होता है डिवाइड करने वाला, लास्ट टाइम में मैंने आपको डिवाइड करने के लिए सिंपल मेथड बताई थी, बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है. ये जीरो से जीरो कैंसल हो गया. ठीक है, अब फोर एंड ट्वेल्व पर आप नजर डालो. फोर थ्री ट्वेल्व है ना? ऊपर न्यूमरेटर में 1 आया और डिनोमिनेटर में 3 आया, तो ये रेशियो आ रहा है दोनों में. 40 rupees एंड 120 rupees में क्या आ रहा है रेशियो? 1/3. ये आपका आंसर है. अगर प्रोपोर्शन, वो क्या बोल रहा है, क्या वो क्या बोलना चाहता है? 40 rupees 120, इसका रेशियो मालूम करना है. तनासुब कहते हैं जिसे, तनासुब. अगर दोनों में यानी क्या, हाँ सुनो, 40 rupees जो है, 40 rupees और 120 rupees, तो 40 rupees जो है 120 rupees का 1/3 है. समझ में आया? 1/3 है वो. आप 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है. 120 आता है ना, मतलब वो उसका 1/3 है. अभी जैसे कि आपके पास 100 rupees है, 100 में से आप 50-50 करते हो, तो 50 जो होता है वो 100 का हाफ होता है, यानी 1/2 होता है. तो ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2. समझ में आया बेटा? हाफ के लिए क्या लिखते हैं हम? 1/2. और अगर आपके पास 25 rupees है, 100 में से 25 rupees आपको अलग करना है, तो 25 rupees मतलब 1/4 हो गया. 1/4 का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पाव हिस्सा, क्वार्टर जो कहते हैं ना, क्वार्टरली पार्ट, 1/4 हो जाता है. तो उसको आप क्या लिखेंगे? 25 इज द 1/4 ऑफ 100 rupees. अभी आया समझ में आपको? Yes, अगर sir. आपको समझ में नहीं आया तो बोलो. हेलो, समझ में आ गया? तो 40 rupees जो है ये 120 का 1/3 है. ठीक है, कौन सी बच्ची बोल रही थी, नहीं समझ में आया बेटा? नाम बताओ आपका. कौन कह रहा था नहीं समझ में आया, नाम बताओ. मैम समझा. हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? यलनाज. अच्छा, समझ में आ गया ना? हाँ. आपके पास इंग्लिश की बुक है या उर्दू की है? इंग्लिश की है ना. हाँ, एक होता है रेशियो और एक होता, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो रेशियो के अंदर आपको जो होता है उसका तनासुब, यानी कि वो दोनों में क्या रिलेशन है आपको बताना है. समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे आपने 40 और 120 का, 40 फर्स्ट नंबर है इसलिए आपने उसको न्यूमरेटर में लिखा, फर्स्ट का सेकेंड से. तो फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर का 1/3 है. और ये जरूरी नहीं है, अगर कभी आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेकेंड नंबर का आप फर्स्ट नंबर से ये करो, फर्स्ट नंबर से रेशो मालूम करो. देखो यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बताती हूँ. जैसे सेकेंड नंबर आपका 120 है, इसका अगर आप फर्स्ट नंबर से रेशो मालूम करना है तो ये 0-0 कैंसल हो गया. सेम 4 1 4 4 3 12, दैट मीन्स 3 times. 120 जो है 40 का 3 times है, 40 3 120 होता है. समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका रेशो होता है, रेशो. और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर तो आ गया है 1/3. अभी अगर इसका प्रोपोर्शन अगर पूछेगा तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, 1:3.
प्रोपोर्शन के लिए आप ये सिंबल लगाएंगे, ध्यान में रखेंगे, ये दो पॉइंट इस तरह लगाए जाते हैं। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में जो पहला हमारा क्वेश्चन था, उसके जो 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसके अंदर हमने प्रोपोर्शन मालूम किए थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेशियो मालूम करना है, तो रेशियो में आपको यहाँ पे आंसर लेफ्ट कर देना है, 1/3 आ गया, तो दिस इज द रेशियो ऑफ 40 and 120। समझ में आ गया? यस मैम। अभी देखो 15 minutes and 1 hour, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मिनट्स और आर दोनों में डिफरेंस है, मैंने आपको क्या वो बताई कि दोनों के यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेकंड में आपने देखे थे रुपीज एंड रुपीज है, फर्स्ट में आपने देखा था बीट्स एंड बीट्स है ना। यहाँ पे अलग हो रहा है, मिनट्स एंड आर हो रहा है। तो हमको यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबल इक्वल करना है वो करेंगे हम। 15 minutes तो 15 minutes ही रहेगा, बट हम 1 hour को जो है मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपको मालूम है 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes, वेरी गुड, 60 minutes होते हैं, है ना, 60 minutes, ठीक है। तो अभी हम 1 hour की जगह पर 60 minutes लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा 15 है और सेकेंड नंबर 1 hour है, तो 1 hour की जगह पे अभी हमने क्या, हमको क्या लिखना है बेटा? 60 minutes लिखना है, 60 minutes। यहाँ पे अभी आप लिखेंगे 15 minutes एंड 60 minutes। आ गया इतना समझ में? Yes, ma'am. हाँ, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। आप 15 को 1 से डिवाइड मत नहीं करने का, 1 जो है 1 hour का मतलब है, आर को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट 15 minutes को आप आर में यानी के घंटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 hour को 60 minutes में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों के यूनिट सेम हो गए, मिनट मिनट हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से रेशो हमको मालूम करना है, तो 15/60 लिखेंगे हम, ठीक है। अभी आप यहाँ पे HCF इसका लेंगे, तो 15 और 60 का HCF कैसा लिखेंगे आप बोलो बेटा? 15 और 60 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बिगेस्ट नंबर है, जिससे एट अ टाइम दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। मैम 15 इटसेल्फ है, वेरी गुड, 15 ही आएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको आगे सॉल्व करके बताती हूँ, 15/60। तो आप यहाँ पे मैं दूसरा कलर भी यूज कर सकती हूँ, हाँ 15 ones are 15 और 15 fours are 60 है ना। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, रेशियो 1/4 आंसर क्या आ रहा है बेटा? 1/4 तो ये 1/4 क्या है, ये दोनों का 15 minutes and 1 hour का रेशियो है। क्या है ये? इसका रेशियो है। समझ में आया? दिस इज योर आंसर, 1/4। और प्रोपोर्शन लिखना है तो क्या करेंगे, 1:4 लिखेंगे। प्रोपोर्शन लिखना है तो क्या करेंगे, 1:4। समझ गए? यस। आपको इजी लगा अभी यलनास? हाँ, सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि जब आपको फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशियो या प्रोपोर्शन मालूम करना है, तब ये दोनों के यूनिट्स देखेंगे कि सेम है क्या नहीं। तो मिनट और आर में हमने 1 hour को हमने 60 minutes में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे 60 minutes को लेके हमने सॉल्व किया 15/60। तो हमने 60/15 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको फर्स्ट नंबर यानी कि 15 मिनट्स फर्स्ट नंबर का रेशियो सेकंड नंबर से निकालना है। तो फर्स्ट नंबर को आप न्यूमरेटर में लिखोगे, सेकंड नंबर को सेकंड लिखोगे यानी डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ बेटा इतना? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए दैट इज द सेम मेथड टू फाइंड आउट द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ,
अगर प्रोपोर्शन आपको मालूम करना है तो आपको इस टाइप में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे 1:4, और रेशियो पता करना है तो 1/4 लिख के आप यहाँ पे आंसर लेफ्ट कर दोगे, दिस इज योर आंसर। ओके, सो दैट मीन्स 15 and 1 hour में 1/4 का 1/4 का रेशियो है, 1/4 का, 1/4 क्या होता है, क्वार्टरली पार्ट होता है, कितना होता है, क्वार्टरली पार्ट, जिसको आप पाव हिस्सा कहते हैं, समझ गए बेटा। वैसे भी आप देखो 15 4 60 होता है, तो 15 को 4 टाइम्स लिखो, 15 जो है वो फोर्थ पार्ट होता है, क्वार्टरली पार्ट होता है, 1/4 होता है। चलो नेक्स्ट, 30 liters and 24 liters। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं, सेम है, है ना, तो डजंट मैटर, हम यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 liters and 24 liters, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, हाँ, तो हमारा फर्स्ट नंबर 30 है और सेकंड नंबर 24 है, तो इस तरह हम लिखेंगे इसको, 30/24, ठीक है बेटा। हाँ, अभी आप बताओ मुझे इसका HCF क्या होगा, 3 मैम, 3 अच्छा, और 6 होएगा मैम, हाँ 6 भी हो सकता है ना, 3 2 से भी एक होता है, तो 3 2 6 होता है, हाँ, इसके कॉमन फैक्टर्स में 3 भी आता है, 2 भी आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 3 2 6 हो जाता है, तो ये 6 से आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे, इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड करोगे, कैसे करेंगे, 6 4 24 है ना, और 6 5 30, तो आंसर क्या आता है आपका, 5/4 हो गया डिवाइड। अभी 5 and 4 ये दोनों डिफरेंट नंबर है, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो 30 liters and 24 liters में 5/4 का रेशियो है, 30 and 24 में 5/4 का रेशियो है, यानी 30 जो है वो 6 का 5 टाइम्स है, और 24 जो है वो 6 का 4 टाइम्स है, ये रेशियो है इसके अंदर। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए चलना है। हेलो मैम, 6 का 5 टाइम्स होता है और 24 6 का 4 टाइम्स होता है, 6 5 30 6 4 24, तो ये आपका रेशियो आ गया 5/4। और अगर आपको इसका प्रोपोर्शन लिखना है तो आप सिंपली इसको लिखेंगे 5:4, क्या लिखेंगे बेटा, 5:4, बट यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन नहीं पूछा है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, डेट इज नॉट रॉन्ग, ये जो है 5/4 आपका रेशियो है। सब बच्चों को समझ में आ गया, बीच वाला कैसा होती है, क्या नहीं समझा बेटा, बोलेंगे 30 और 24 कैसा के, हाँ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी जैसे किसी ने बताया कि ये किससे होगा, 3 से होगा डिवाइड होगा, हाँ 3 से करेंगे हम, बट ये 2 से भी डिवाइड होता है ना बेटा, 2 से भी, 30 और 24 को अगर आप 2 से करेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, आप करके देखो, 2 1 2 और 2 5 10, फिर 2 1 2, 2 2 4, लेकिन फिर आगे आपको फिर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 2 से भी डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होता है, तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो 2 3 6, यानी 6 से भी डिवाइड होता है कम्प्लीटली, ये आपको डिविजिबिलिटी मेथड में आपको सिखाया गया था, अभी आया समझ में, हाँ, तो इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड किया, क्योंकि 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है,
टू भी इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, थ्री भी इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, वन भी आ रहा है, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, बट सिक्स जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, टू टू थ्री जा सिक्स, तो इसलिए हमने सिक्स लिए। सिक्स फोर जा 24 और सिक्स फाइव जा 30। आया बेटा समझ में? यानी आप ये पूछ रहे थे कि हमने सिक्स से क्यों इसको किए, है ना? Yes. हाँ, यानी टू से भी कर सकते थे, थ्री से भी कर सकते थे, तो ये दोनों नंबर टू से, दोनों ही नंबर टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, एंड दोनों ही नंबर थ्री से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए टू थ्री जा सिक्स होता है, तो हम सिक्स से डिवाइड करेंगे ताकि हमको आगे और डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। आ गया समझ में? सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, 5/4। ये आपने इसका रेशो मालूम किया, और प्रोपोर्शन लिखना है तो 5:4 लिखेंगे। सभी बच्चों को समझ में आया? Have you understood all? Yes. नहीं। Yes, ma'am. So any doubts, if you can ask. No. Okay. Thank you. Next. Question number 5. Read the question. Who will read the question? Anyone of you can read the question. 99 kilograms and 44,000 grams. बेटा जोर से पढ़ो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Read loudly. 99 kilograms and 44,000 grams. अभी यहाँ पे 99 और 44,000 के यूनिट देखेंगे। 99,000 जो है वो किलोग्राम में दिया हुआ है ना बेटा, और 44,000 जो है ये ग्राम्स में दिया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ग्राम्स को हम किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, किलोग्राम्स को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? दोनों यूनिट आपको इक्वल होना चाहिए, तभी आप इसका रेशियो मालूम कर सकते हैं। तो आपको मालूम है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। वेरी गुड बेटा, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है? तो 99 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 99 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 99,000। वेरी गुड, ये 99 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99,000 grams। आ गया बेटा समझ में? Yes. हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अभी हमने क्या किए, 99 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए ना, तो 99,000 ग्राम आ गया, 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, मल्टीप्लाई करके हमने 99,000 ग्राम बना दिए। तो अभी हमारे पास दोनों सेम यूनिट आ जाएगी, इसकी और इसकी। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख के करते हैं इसको, 99 किलोग्राम की जगह पर अभी आप क्या लिखोगे? इसको आपने ग्राम बना दिए ना, ग्राम में कन्वर्ट कर दिए ना, तो 99 किलोग्राम नहीं लिखेंगे आप, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? 99,000 ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 99,000 ग्राम। तो चलो आगे दूसरे पेज पे करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 99,000 ग्राम, और दूसरा कितना है, 44,000 ग्राम है ना? बच्चों समझ में आ रहा है आपके? यस। यहाँ पे हमने 99,000 ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, तो अभी जो ग्राम बनाए हैं वो यहाँ लिखेंगे। आ गया बेटा समझ में? तो 99,000 ग्राम और 44,000 ग्राम, इन दोनों का आपको रेशियो मालूम करना है। तो 99 देखो यहाँ पे, अगर आपको बीच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फौरन आप में से पूछेंगे। 99,000 is to 44 ग्राम, इस पर हमने प्रोपोर्शन लिखा है, अभी रेशियो हम इसका फाइंड आउट करेंगे। 99,000
अपॉन 44,000, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये जीरो जीरो सब एक एक कैंसल हो जाएंगे, तीनों जीरो से कैंसल हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे तो। अब आप मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओगे क्या है 99 and 44 के। यस वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मदिया। मदिया वेरी गुड। 11 से आप इसको करेंगे डिवाइड, 11 4 44 एंड 11 9 99, आपका न्यूमरेटर में 9 आ गया और डिनोमिनेटर में 4 आ गया, तो रेशियो क्या आ गया बेटा, 9/4। हैव यू गॉट इट? सब लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन? मैम हाँ बेटा बोलो क्या है ये 99 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करके 44,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट। 44,000 जो है वो ग्राम्स ही है ना ऑलरेडी, ये ग्राम्स है तो इसको भी ग्राम्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये किलोग्राम और एक ग्राम है तो आप इसका रेशियो नहीं मालूम कर सकते। मैंने बताई ना दोनों के यूनिट जो है ये दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए 99 किलोग्राम को आपने क्या बनाया, ग्राम्स बनाया, क्योंकि ग्राम्स में कन्वर्ट करना इजी होता है। 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं, तो 99 किलोग्राम में 99,000 ग्राम्स हो गए। आया समझ में? तो अभी 99 किलोग्राम की जगह पर आपको क्या यूज करना है, 99,000 ग्राम यूज करना है, ठीक है बेटा। और 44,000 को तो चेंज नहीं करना है, वो तो जो है वो ही रहेगा, कि वो ऑलरेडी ग्राम्स में दिया हुआ है, सिर्फ ये ग्राम में बनाने का था आपको, है ना? हाँ। आया बेटा समझ में? हाँ, यस मैम। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो, मैं बताऊंगी। नहीं है। समझे ना? ओके। तो 99,000 हमने लिखा यहाँ पे, 44,000 ऑलरेडी लिखा हुआ था, तीनों जीरो कैंसल हो गए और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 11 है, सो 11 4 44, 11 9 99, 9/4 आपका आंसर है। अगर आपको प्रोपोर्शन इसका लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे बेटा, 9:4 ये प्रोपोर्शन है, और 9/4 जो है ये क्या है, रेशियो है। समझ गए बेटा? यस मैम। हाँ अभी आपको क्या बताएंगे, 9/4 क्या है बेटा, रेशियो है, और 9:4 क्या है, ये प्रोपोर्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अभी, चलो 6 में आप देखेंगे 1 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। यहाँ पे भी आप देख रहे हो लीटर एंड मिलीलीटर, ये दोनों यूनिट सेम है क्या? नहीं। या तो दोनों लीटर्स में होना चाहिए था या तो दोनों मिलीलीटर में होना चाहिए, है ना? तो मिलीलीटर जो ऑलरेडी 250 है तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने एमएल होते हैं? 1000। हाँ सर, एक मिनट रह गया सर, टाइम अप हो गया क्या? एक ही मिनट रह गया बस, 5 मिनट, एक मिनट। अच्छा फिर इसको मैं नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू कर लेती हूँ। हाँ, हाँ, ये वाला एक कंप्लीट करा देती हूँ। हाँ। इसी हफ्ते ले यहाँ से। ओके बेटा सुनो आप लोग, ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तक के? यस मैम। कुछ बाकी तो नहीं है ना इसमें? नहीं। तमाम बच्चे मुझे बताएंगे, सबको अच्छे से समझ में आया बेटा? यस मैम। अभी आपके और क्वेश्चंस है ना, ये बहुत अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है? ओके। 5 कम को वापस जोड़ दो।